Hello student, my name is Meeni Sethi. Today I am going to discuss what revealed preference theory. Revealed preference theory किसने दिया? Paul A. Samuelson ने दिया. ठीक है, किसने दिया? Paul A. Samuelson ने दिया. Revealed preference theory में एक consumer किसी product के बारे में अपनी preference को revealed करता है, उसे क्या पसंद है वो बताता है. तो इसमें अगर कोई भी consumer किसी product के बारे में अपनी preference को revealed करता है तो उसमें दो बातें होनी चाहिए. एक तो वो उसे उस product को इसलिए पसंद करता है कि वो उसको लाइक भी करता है, प्लस वो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट चीप भी है. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. अगर मान लीजिए मैंने किसी भी शॉप में जाके लक्स साबुन को के लिए ऑर्डर किया कि मुझे लक्स साबुन दो, तो वो लक्स साबुन को अगर मैं ऑर्डर कर रही हूँ तो उसमें दो बातें हो सकती है, वो मुझे पसंद भी है प्लस वो कहीं ना कहीं क्या चीप भी है, मीन्स वो मेरे बजट में सेट भी बैठता है और मुझे पसंद भी है. अगर मैं लक्स को सिर्फ इसलिए पसंद कर रही हूँ कि वो सस्ता है तो मैं अपनी प्रेफरेंस को रिवील्ड नहीं कर रही हूँ, समझ रहे हो. अगर लक्स साबुन मुझे पसंद नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए खरीद रही हूँ कि वो सस्ता है, तो मैं अपनी प्रेफरेंस को रिवील्ड नहीं करती हूँ. अपनी प्रेफरेंस को रिवील्ड करने का मतलब है अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो आपको पसंद भी है और वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट के कंपेरेटिव सस्ता भी है, मीन्स ये दोनों बातें होनी चाहिए. सिर्फ अगर आप सस्ता देख के उसको पसंद कर रहे हो तो आप अपनी प्रेफरेंस को रिवील्ड नहीं कर रहे हो. अब हम बात करते हैं अजम्पशन की. अजम्पशन में जो सबसे पहले अजम्पशन आएगी टू कॉमोडिटी, ठीक है, इसमें हम क्या लेके चलते हैं, सिर्फ दो गुड्स को लेके चलते हैं. उसके बाद हम लेके चलते हैं रैशनल कंज्यूमर. हम ये मानते हैं कि इसमें कंज्यूमर क्या समझदार है, उसका अच्छा क्या है बुरा क्या है वो सब सोच सकता है, उसको सब पता है, ठीक है. उसके बाद हम मान के चलते हैं कंसिस्टेंसी. कंज्यूमर के बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है. सिचुएशन मीन्स कोई भी कंडीशन कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकती, मीन्स कंज्यूमर का बिहेवियर कंडीशन से चेंज नहीं होगा. अगर किसी एक कंडीशन में उसे ए कॉम्बिनेशन बी के कंपैरेटिव ज्यादा पसंद है तो मान लो कंडीशन चेंज हो गई फिर भी उसे ए कॉम्बिनेशन बी के कंपैरेटिव ज्यादा ही पसंद होगा, मींस कंडीशन उसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकती. उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी को हम ऐसे बताते हैं कि कंज्यूमर एक अपना बेस्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करेगा. बेस्ट ऑप्शन कैसे, उसके पास तीन ऑप्शन है ए बी सी. अगर वो ए ऑप्शन को बी के कंपैरेटिव ज्यादा पसंद करता है और बी ऑप्शन को सी के कंपैरेटिव ज्यादा पसंद करता है तो वो ए ऑप्शन को सी के कंपैरेटिव ज्यादा ही पसंद करेगा, मीन्स वो क्या करेगा अपना बेस्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करेगा. उसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड. इसमें इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड क्या है, पॉजिटिव है. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड का मतलब क्या, इनकम बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, मीन्स जो गुड्स है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल है. इन्फीरियर में तो ऐसा नहीं होता, इन्फीरियर गुड्स में तो इनकम बढ़ती है तो क्या होता है डिमांड कम होती है, लेकिन इसमें क्या इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, मीन्स इसमें इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड क्या पॉजिटिव है. और मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा बता देती हूँ. यहाँ पे X कॉमोडिटी, यहाँ पे Y कॉमोडिटी, ये कंज्यूमर की बजट लाइन है, ये कंज्यूमर के कॉम्बिनेशन है, ठीक है. तो ये वाला जो A और B कॉम्बिनेशन है ये कंज्यूमर की क्या बजट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, मीन्स वो इसे खरीद सकता है, वो ए को भी खरीद सकता है, बी को भी खरीद सकता है, जी को भी खरीद सकता है, एफ को भी खरीद सकता है, ई को भी खरीद सकता है. ये सारे कॉम्बिनेशन क्या है उसके बजट के बाहर है, ठीक है. वो ई एफ जी को नहीं खरीद रहा, इन्हें नहीं प्रेफरेंस दे रहा, ये क्या हो सकता, ये क्या है इंफीरियर कॉम्बिनेशन. ये उसके क्या खिलाएंगे, इंफीरियर कॉम्बिनेशन, ठीक है. और जो ए और बी कॉम्बिनेशन है ये दोनों क्या है उसकी बजट लाइन के अंडर ही है. दोनों की कॉस्ट क्या उसको सेम पड़ेगी, चाहे वो ए कॉम्बिनेशन ले चाहे वो बी कॉम्बिनेशन ले, दोनों की कॉस्ट इसको क्या पड़ेगी सेम पड़ेगी. लेकिन वो बी को ना लेके किसे ले रहा है, ए को ले रहा है, तो ए के लिए अपनी क्या दिखा रहा है, प्रेफरेंस को दिखा रहा है, समझ रहे हो. वो बी को ना खरीद के ए को ले रहा है, ए क्या है उसके बजट के अंदर भी आ रहा है और कहीं ना कहीं वो इस डी कॉम्बिनेशन से सस्ता भी है, क्योंकि डी कॉम्बिनेशन क्या उसके बजट के बाहर है, उस डी कॉम्बिनेशन को वो नहीं ले सकता, क्योंकि अगर इस डी कॉम्बिनेशन की बात करें, ये तो ए कॉम्बिनेशन हो गया, अगर इस डी कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये क्या है सुपीरियर, ठीक है. ये वाला जो डी है ये क्या है सुपीरियर है, जो उसके बजट के बाहर है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो डी को खरीदे, ठीक है. उसने क्या किया है,
ए कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करा है, क्योंकि ए क्या है, जो ए कॉम्बिनेशन है उसके बजट के अंडर भी आ रहा है, प्लस ये उसको पसंद भी है। अगर वो सिर्फ इसलिए प्रोडक्ट को खरीदता कि वो सस्ता है तो उसे जीएच खरीदना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं खरीदा। हमारी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ये नहीं कहती कि कंज्यूमर सस्ता देख के प्रोडक्ट खरीदता है, कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस को तभी रिवील्ड करता है जब वो उस कॉम्बिनेशन को खरीदता है जो उसके बजट के अंडर भी आता है, प्लस वो उसको पसंद भी है, प्लस वो कहीं ना कहीं चीप भी है, और प्लस क्या है वो उसको पसंद भी है। जैसे उसने ए को सिलेक्ट करा, ए क्या है उसके बजट के अंदर भी आ रहा है, उसको पसंद भी है, मींस वो कहीं ना कहीं डी से क्या चीप है, डी क्या हो गया उसके लिए सुपीरियर कॉम्बिनेशन हो गया जिसे वो नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके बजट से बाहर है, और ये ई एफ जी क्या इंफीरियर कॉम्बिनेशन है जिसे वो खरीदना नहीं चाहता, ठीक है। और वो बी ए के कंपैरेटिव बी के कंपैरेटिव ए को सिलेक्ट करता है, मींस अपनी इन ए और बी की कॉस्ट उसको सेम आती है, ए को सिलेक्ट करके उसने क्या दे दिया, अपनी प्रेफरेंस को रिवील्ड कर दिया, ठीक है। सेम कॉस्ट होते हुए भी उसने बी के कंपैरेटिव किसको खरीदा, ए को खरीदा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा, थैंक यू।